मिनट में बनाए अनोखे सिंगापुरी नूडल। तो चलिए सर, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड सर्कल में। जो आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में से आप शेयर कर सकते हैं। एकदम प्योरली मैं आपके सामने अपनी रेसिपी बनाता हूँ, उसमें कोई भी ऐसा ऐड नहीं करता हूँ। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैंने सबसे पहले गैस पर पानी रखा है, ठीक है, और गैस ऑन कर दिया है नूडल को बॉईल करने के लिए। तो नूडल बॉईल करें, नूडल दो तीन प्रकार के आते हैं आजकल मार्केट में, नूडल बहुत सारे मिल रहे हैं। बॉइल्ड नूडल भी मिलते हैं, होममेड नूडल भी मिलते हैं, उनको डायरेक्ट गर्म करते हैं। लेकिन जो नॉर्मल नूडल्स होते हैं तो उनको बॉईल करने के लिए क्या होता है कि उनका टाइम होता है कि 8 से 10 मिनट आपको बॉईल करना पड़ता है। तो ये जो नूडल्स हैं इनको 10 मिनट लगेगा बॉईल होने में। घड़ी में हमारे बच रहे हैं, टाइम आप देख रहे हो, आपके सामने घड़ी चल रही है, ठीक है। उसके बाद वापस मैं आपको घड़ी अभी शो कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कितने मिनट का फ़र्क है इसमें। 10 मिनट हो चुके हैं इसमें, ठीक है। तो 10 मिनट में हमारे नूडल बॉईल हो चुके हैं। इस तरह से नूडल को स्टैंड करना है। तो 10 मिनट में नूडल बॉईल होते हैं, ठीक है, आप उनको चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से नूडल को फिर स्टैंड कर लेना है 10 मिनट बाद। 10 मिनट में कुक हो जाते हैं, ठीक है। कुक होने के बाद फिर आपको क्या करना है, उनको ठंडा करना पड़ता है। नूडल को गर्म गर्म नहीं रखा जाता, इसलिए उनको स्टैंड किया जाता है, ठीक है। स्टैंड करने के बाद आपको उसको ठंडा पानी डालना जाएगा। ठंडा पानी डालने के बाद, ठंडा पानी इसलिए डाला जाता है कि क्या नूडल क्या होता है ज़्यादा ओवर कुक नहीं हो जाए। तो ओवर कुक का ध्यान में रखते हुए आपको नूडल को जैसे ही आप छानते हैं उसके बाद उसको ठंडा करना पड़ेगा, ठीक है। तो एवरी नूडल जो होते हैं जो फ्रेश होते हैं जो पैकेट्स में आते हैं उनको आपको इस तरह से करना पड़ता है। उसके बाद फिर नूडल्स हो गया, तो आपके नूडल्स होते हैं जो आपके बॉईल होने का उनको रखते हैं तो क्या चिपकते हैं। तो चिपकने के लिए उनको अलग अलग करने के लिए उसे अपन ऑयल डालते हैं, ठीक है। तो ऑयल उसमें 1 टीस्पून में ऑयल डाला है ताकि अच्छे से मिक्स हो गया, ताकि नूडल एक शाइनिंग आ जाती है और नूडल अलग अलग बिखर जाते हैं, बिखरते हुए नजर आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से नूडल को आपको मिक्स कर देना ऑयल डाल के, ऑयल से अच्छे से मिक्स करना। वेजिटेबल का हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगा, जब सिंगापुरी नूडल बना रहे हैं तो सिंगापुरी नूडल के अंदर कैबेज है, ठीक है, बेल पेपर है, पाइनएप्पल है, ऑनियन है, शिमला मिर्ची है, ठीक है, बेबीकॉर्न है, मशरूम है, ठीक है, स्प्राउट है ना, ये सारी चीज़ें हैं। स्प्राउट मैं बाद में रखूँगा इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को कैसे बनाते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को मैं शेयर जरूर करें, ठीक है। रेसिपी को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हमने ऑयल लिया है 2 टीस्पून, ठीक है। 2 टीस्पून ऑयल लेने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे जिंजर एंड गार्लिक, है ना। तो जिंजर गार्लिक तो डालना ही पड़ेगा क्योंकि चाइनीज़ फूड में बन रहा है, तो चाइनीज़ फूड में जिंजर गार्लिक पड़ता है। तो जिंजर गार्लिक में हमने एक चम्मच गार्लिक डालेंगे, आधा चम्मच हम जिंजर डालेंगे, है ना। जिंजर की क्वांटिटी हाफ होती है जिंजर गार्लिक के अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पे एक चम्मच में गार्लिक डाल रहा हूँ, ठीक है। एक चम्मच गार्लिक डाला मैंने, आधा चम्मच में जिंजर डाल रहा हूँ, ठीक है। तो इस देख सकते हैं ऑयल के अंदर, गर्म ऑयल के अंदर, मतलब एकदम मीडियम साइज का गर्म ऑयल हो उसमें डालना, एकदम ऐसा ज़्यादा नहीं गर्म ऑयल हो उसमें हम डाल दोगे ज़्यादा उसमें, तो क्या जल्दी से कलर आ जाएगा ना थोड़ा सा, और जल सकता है ना। तो इसलिए क्या स्लो फ्लेम में पकाना हमें, कम थोड़ी देर से कुक करेंगे हम विद इन, हम इसको मतलब 30 सेकेंड तक इसको कुक करेंगे, ठीक है। 30 सेकेंड कुक करने के बाद हम इसमें डालेंगे वेजिटेबल। तो वेजिटेबल जो मैंने यहाँ पे ली आपको मैंने बताई थी, ये बेबीकॉर्न है, मशरूम है, पाइनएप्पल है, कैबेज है, कैरेट है, बेल पेपर है, अनियन है, ठीक है, और कैरेट और कैबेज है ना। तो सबसे पहले मैं इसमें डालता हूँ अनियन सबसे पहले डाले जाते हैं चाइनीज़ फूड के अंदर, क्योंकि ये थोड़े से हार्ड होते हैं, थोड़ा सा नहीं होता तो उनको कुक करना पड़ता है, तो उनको थोड़ा टाइम लगता है ना। तो अनियन को पहले डाला, उसके बाद फिर मैंने डाला इसमें बेल पेपर जो रेड येलो मेरे पास थी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें इस दोनों को साथ में इसलिए डाला है कि ये हम सिंगापुर नूडल इसको ज़्यादा कुक नहीं करेंगे हमें ना, तो इसलिए क्या कर रहे हैं कि ऑनियन और बेल पेपर दोनों बराबर हार्डली मतलब हार्ड हो गए, हार्डनेस की कम करने के लिए थोड़ा कुक करेंगे। तो पहले डाल दिया दोनों मिक्स में, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने डाला इसके अंदर मशरूम डाला और बेबीकॉर्न डाला है, ठीक है। आप अगर मशरूम नहीं खाते हैं, बेबीकॉर्न नहीं खाते हैं तो उसको नहीं डाल सकते हैं, नहीं डाले तो भी चलेगा, लेकिन मशरूम बेबीकॉर्न मतलब जो इसका जो एक रेसिपी है मैं रेसिपी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें वेजिटेबल डाला है, कैरेट एंड कैबेज है ना। तो ये कैरेट और कैबेज डाली है मैंने इस तरह से, जूलियन कटिंग डाली है मैंने, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसके अंदर डालेंगे पाइनएप्पल, है ना। पाइनएप्पल ये स्लाइस कटिंग होगा, फ्रेश पाइनएप्पल है, ठीक है। पाइनएप्पल डालते हैं, उसके बाद फिर इसके अंदर डालेंगे हम स्प्राउट, है ना। स्प्राउट डालते हैं, ये स्प्राउट आप मतलब स्प्राउट आपको पता ही होगा कि रात को भिगा के रखने पड़ते हैं, 2 या 3 दिन रखते हैं, उसके बाद स्प्राउट पक्को मतलब स्प्राउट निकलते हैं। तो स्प्राउट है ये हेल्थी है। तो इस तरह से फिर आपको मिक्स कर देना है, ठीक है। गैस स्लो फ्लेम पर रखना है, ऐसा नहीं खा मतलब गैस तेज रखें, स्लो फ्लेम पर आपको कुक करना है इस तरह से स्लोली स्लोली, ठीक है। आपको फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देना, ताकि होगा सारा एक तरह से
जो भी अपन इसमें डालें जो उसमें सब मिक्स हो जाए, उसके बाद फिर उसमें डालेंगे करी पाउडर, है ना, ये करी पाउडर होता है। तो सिंगापुरी नूडल इसलिए बोला जाता है, इसमें करी पाउडर पड़ता है ना, तो ये करी पाउडर डाल रहे हैं हम, है ना। तो आप एक हाफ टी स्पून इसमें करी पाउडर डालना है अपन को, ठीक है। हाफ टी स्पून मैंने करी पाउडर डाला आपके सामने, इस तरह से फिर इसको मिक्स करना है। जैसा कि आपको पता है कि मैं लेस ऑयली खाना बनाता हूँ, लेस तो चाइनीज़ फूड के अंदर उसमें, तो मैंने ऑयल कम ले रखा है। देख सकते हैं आप कि ऑयल मतलब कहीं भी ऐसा ऑयलीस नज़र नहीं आ रहा है। तो उसके अंदर मैंने करी पाउडर डाला है। अब इसमें हम और एड ऑन सीजनिंग करेंगे, जो सीजनिंग की ज़रूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। तो पहले नूडल डाल देते हैं, ताकि क्या नूडल के ऊपर सीजनिंग आएगी, तो ताकि इसमें प्रॉपर टेस्ट आ जाएगा, है ना। तो नूडल डाल दिए, तो मैंने ये नूडल डाल दिए हैं, ठीक है। तो एक पोर्शन नूडल लिए थे मैंने, उसके बाद मैं इसमें डाल रहा हूँ स्प्रिंग ऑनियन आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी काट सकते हैं। फिर उसके अंदर मैं डाल रहा हूँ सॉल्ट की क्वांटिटी हमेशा चाइनीज़ फूड के अंदर कम होती है, क्योंकि ऑलरेडी चाइनीज़ जो मसाले होते हैं उसके अंदर ऑलरेडी सॉल्ट होता है, इसलिए, ठीक है। तो सॉल्ट मैंने कम डाला है। उसके बाद मैं डाल रहा हूँ ब्लैक पेपर, 1/4 टी स्पून मैंने डाला है इसमें ब्लैक पेपर, और 1/4 का भी थोड़ा कम मैंने सॉल्ट डाला। उसके बाद एक 1/4 टी स्पून मैंने इसके अंदर अरोमेटिक पाउडर डाला, ठीक है। अरोमेटिक पाउडर आपको पता चाइनीज़ सॉल्ट है, ठीक है। उसके बाद मैंने ये अनियन डाले हैं, जो मैंने हमने चाइनीज़ में जो गार्निश के लिए जाते हैं, ठीक है। फिर ये सारा ये मतलब ये इंग्रेडिएंट ये स्पाइस के अंदर जाएगा। उसके बाद फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देना है, ठीक है। आप चाहें तो कैसे भी मिक्स कर सकते हैं, हाथ से चम्मच से, जो मतलब आपके पास अकॉर्डिंग जो भी हो घर के अंदर, उसके अकॉर्डिंग आप आराम से मिक्स कर दें इसको, ठीक है। आप चाहे तो चम्मच भी ले सकती हैं, कांटा भी ले सकती हैं, उससे आराम से मिक्स कर दें, ताकि क्या मसाला सारा मिल जाए। उसके बाद आप उसको फिर आप इस कढ़ाई पर चालू करें ना। हमारे पास तो बड़ी कढ़ाई होती है, तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं, अच्छे से मिक्स हो जाता है। और तो ठीक है, तो इस तरह से आप कुछ भी अपने घर में अवेलेबल हो मिक्स करते हैं। देखो हम तो फास्ट मूविंग में ऐसे करते हैं, तो सारा जो स्पाइस होता है वो सारा उसके अंदर मिक्स हो जाता है। तो आपको घर पर थोड़ी सी इशू प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप फोक से या फिर एक दो फोक ले लें, या फिर फोक नहीं तो चम्मच ले लें, तो दो चम्मच को लेकर मिला के करें तो थोड़ा अच्छा मिक्स होगा, ठीक है। तो ये बन के हमारे रेडी है नूडल्स सिंगापुरी। तो प्लीज़ मैं तो ये हमारा नूडल्स रेडी हो चुके हैं सिंगापुर। अब आती प्लेटिंग की बारी। प्लेटिंग मेरी आपको पता है कि अब माउथ वाटरिंग और आउटस्टैंडिंग होती है, तो मैं प्लेटिंग कर रहा हूँ। तो प्लेटिंग करने से पहले, रेसिपी ख़त्म होने से पहले, प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, प्लीज़, है ना। मेरे व्यूज़ बहुत आ रहे हैं, पर सब्सक्राइबर नहीं है, तो प्लीज़ आई नीड टू सब्सक्राइबर। तो कैन यू हेल्प, आपकी हेल्प की ज़रूरत है मुझे, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होगा। आपको भी आप वीडियो तो देखते ही, मेरी रेसिपी देखते हैं, सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, कुछ नहीं जाता है। तो बस एक आपका मिनट लग रहा है कि मेरी रेसिपी को टिक कर दें, बस इतना सा काम कर लेंगे तो मेरी हेल्प हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ठीक है। और आप लोगों का सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। आप जो मेरा सपोर्ट कर रहे हो, मेरे वीडियोज़ को व्यूज़ कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद आपको, ठीक है। और बहुत दिल से मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को देखते हैं और लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। बस एक आपसे गुजारिश है कि आप मुझे मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, तो बस मेरा हौसला और थोड़ा और बढ़ जाए, और मैं आपके लिए और अच्छे दिल से खाना बनाऊँ। मेरा एक मेरी कुकिंग के अंदर एक और चीज़ स्किल्स है कि मैं जो भी फूड बनाता हूँ उसके अंदर मेरा पूरा दिल डाल देता हूँ, ताकि वो खाना इतना खूबसूरत बनता है। तो आपको ऐसा देखने में से लगता है कि मैं मतलब दिल से खाना बनाया है आपके लिए। मतलब ये होता है कि मेरे लिए जो गेस्ट होता है वो एक मतलब मैं अपने घर पर मेहमान आते हैं इस तरह से खाना बनाता हूँ, तो इसलिए से मेरी प्लेटिंग इस तरह से होती है। तो हमेशा मेरी प्लेटिंग को जी जान से मैं बनाता हूँ, तो इसलिए मेरी जो प्लेटिंग होती है वो माउथ वाटरिंग और आउटस्टैंडिंग होती है। आपने देखा होगा कि मेरी रेसिपी एवरी रेसिपी से होती माउथ वाटरिंग होती है। इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल को। मैं दिल से खाना बनाता हूँ आपके लिए, और आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। कि कोई इशू हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बने रही शेफ़ अजय के साथ में इसी तरह से, हमेशा आपके साथ ही अजय, ठीक है। तो अब लास्ट स्टेप आने वाला प्लेटिंग का। प्लेटिंग के लिए मैंने स्प्रिंग ऑनियन लेना है, स्प्रिंग ऑनियन इस तरह से। तो स्प्रिंग ऑनियन का मैंने एक बंच लिया है, एक बंच इस तरह से बंच को काटा है मैंने। उसके बाद गार्निश करने के लिए मैं इसका एक फूल बना रहा हूँ, ठीक है। आपके सामने ही बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि दूर हाइट में बना रहा, आपके सामने ही बंच बने थे, ठीक है। इस तरह से आपको काट देना, तो उसके चार पंख निकल जाएंगे, तो चार पंख इस तरह से होंगे। उसके बाद फिर थोड़ा सा आगे वेजिटेबल होगा, उसको उस तरह से काट देना है, छोटा छोटा, है ना। इस तरह से आप काट सकते हैं, आपके घर पे भी मतलब ऑनियन होंगे तो उसमें काट सकते हैं इस तरह से। ये गार्निश के लिए होगा। गार्निश में बहुत कम करता हूँ और लाइट वाली गार्निश करता हूँ, हल्की गार्निश करता हूँ, वो बहुत अच्छी लगती है। ज़्यादा गार्निश प्रेजेंटेशन मुझे वो उस तरह से पसंद नहीं है,
तो मैं कम गार्निश करता हूँ, उससे मेरा खाना बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से मैंने स्प्रिंग अनियन ऊपर डाल दिया, उसके ऊपर से मैंने ये फूल बनाया था, ये लगा रहा हूँ, है ना। तो इस तरह से तो आप देख सकते हैं मेरी डिश जो बनी है, बन के रेडी हुई है, और जो इसका प्रेजेंटेशन है आप देख सकते हैं वाव है, वाव फैक्टर वाला है, देख सकते हैं आप करीब बिल्कुल। और दिल से मैंने जो खाना बनाया, तो दिल से जो खाना बनाता है वो तो अच्छा ही होता है, और बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है मेरे सिंगापुरी नूडल का, देख सकते हैं आप, एकदम बढ़िया सी लग रही है, अभी खा जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मन बने रहे शेफ अजय के साथ। थैंक यू।